एम एल ए साहबान अज का जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा मकसद है तुसी सारे जानते हो बहुत ही माड़ी गल जिहड़ी कि हमेशा फोकी मशहूरियां दी सरकार करती है आप दे एजेंडे दे तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान बुरा ने अज फिर साडे एक बहुत ही सत्कारयोग लीडर डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी जी उन्हां दे मुकदमा दर्ज करके आपकी स्टोरी दे मुताबक आपकी स्क्रिप्टेड स्टोरी दे मुताबक और मशहूरी दे मुताबक उन्हां नूं कल चंडीगढ़ विखे उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया और पहला भी साडे लीडर साहबान इन्हां ने गिरफ्तार किए यही डिसप्रपोर्शनेट एसिड दे केस बना बना और ये विंडेटा पॉलिटिक्स जिहड़ी है टोटल बदला खोरी दी नीति नाल पंजाब दा मुख्यमंत्री ए साडे लीडर साहबाना ते कारवाई कर रहे और जिहड़ी गल इन्हां नूं और इन्हां दी आकावां नूं चंगी नहीं लगदी एक कुमार विश्वास तो लैके ते बग्गे तो लैके ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸੇ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ और साडे तमाम लीडर साहबाना ने अज बेल मिल चुकी है एक अद्धे तो बिना पर अज फिर उसे कड़ी च फोकी मशहूरिया की सरकार ने बदलाखोरी की नीति दे नाल जबकि डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी जी सारी आपकी जायदाद का वेरवा पर समय समय सिर जो विजिलेंस ने सद्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਕਾਗਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੂੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ हाथ परे रख और बहुत सारे साथियों एक तरफा चला देंगे असि कहने की अगर 7 करोड़ रुपए की साडे सीए ना बैठन पर आमने सामने गल करन हिसाब किताब किताबा दे रहे ओ जेड़िया कोई पैसा हुंदा ओ तां गिना देंदे पर जेड़ा बोरोइंग हुंदी है जां पैसे लए हुंदे है जां आए हुंदे है कित्थों आए है ओ बिल्कुल नहीं दिखाउंदे इसे तरह ओ डीए दा मुकदमा रोजाना हर रोज बनाउंदे तुरे जा रहे पहला कहंदे सी सोनी साहब का हेल्थ का मुकदमा है हेल्थ डिपार्टमेंट का उत्थे बड़ा कुछ होया फिर जो कुछ नहीं मिलिया उन्हां फाइलां च उन्हां ने आख्या भी जे फड़ना ही है सोनी साहब नूं तुहाडा मकसद है अंदर देना है तां ओह की अल्लाह सी डीए दा बना दिंदे आ ते काम चल जाएगा और मैं कहना कि मगरली जिहड़ी हेल्पलाइन शुरू कीती सी मानसा पुरा ने 3 लाख एप्लीकेशन आई है करप्शन दी 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰਾ ਪੀਏ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
कारपोरेशन दीआं चोणां करके सोनी साहब नूं फड़िया गया। 6 बार सोनी साहब चुनाव जीते है और सारा शहर जानता है कि सोनी साहब ने केड़ी जायदाद बनाई है, कित्थों बनाई है, लिया के दिखाउण प्रेस दे सामने बैठन। ये नहीं गा कोई भी पुलिस का मुलाजिम खड़ा होकर एक बयान दे दे। और विजिलेंस का जो पुराना सिस्टम वेख लीए 1% सक्सैस रेट है। हां पर आज जी एक बार परचा देके जिला की खजल खुआरी फलां ये वो उम्रदा अंदाजा नहीं देखा गया। 68 साल का व्यक्ति है जिन्हें आपके दामन से एक चिट्टा दाग नहीं लगन दिता, अज उन्हू फड़के डीए के केस अंदर कर दिता गया। यह डायवर्ट कर दी है रियल इशू। सो अज पानी का बहुत वड्डा इशू है, सारा पंजाब पोल खुल गई है, सारा पंजाब डुबिया पे, किसान मर रहे है, लोग डिग पे, लोगों ने घर टुट गए, सरकार राहत देवे, मुआवजा देवे, डायवर्ट करता। रियल इशू की है, लॉ एंड ऑर्डर का रियल इशू है, हेल्थ का रियल इशू है, टीचर कुटे जा रहे, पग्गां पाड़तियां, चुन्नियां पाड़तियां, इन्हां दा कदे किसे सरकार च नहीं होया। किसान खुदकुशियां फिर कर रहे हैं। ये उन्हां तो सारे त्यों दे त्यों मुद्दे उत्थे पए है, हेल्थ का इशू, एजुकेशन का इशू, लोग बाहर धड़ाधड़ फिर जा रहे। तो कहते गोरे भगवंत मान जी कहते गोरे आया कर, 500 मुंडा एक पिंड चो बाहर रह रहे है, रोज आर्टिकल छप रहे है, कोई एने गल करने तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री डेली एक बंदा फड़दा ते जान बुझ के गल नूं डाइवर्ट करन दे मारे फोकी मशहूरियां वाली सरकार आपणियां मशहूरियां करदी है। आ टोल प्लाजा ते मैं क्या उत्थे जाके गया, असीं टोल कोई लाया ही नहीं 5 सालां साडी सरकार ने, ते तुसीं 50 लाख रुपए का खर्चा करदे हो उत्थे जाके, असीं एक भी टोल नहीं लाया 5 सालां कांग्रेस पार्टी दे राज, बीजेपी अकाली दल दे वेले टोल लगे रहे। इहदा मतलब मुख्यमंत्री हुण साहब इन्ने वेले भी हर टोल बंद ते जाया करनगे। सो प्योरली विंडेटा बदलाखोरी की भावना लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप एक कट्टर ईमानदार है, लत पत ने करप्शन के विच इन्हां दे लोग ने, लेकिन हर बंदे नूं जान बुझ के टारगेट किया जा रहा और असी लड़ाई लड़ांगे। अज असी सारे इकट्ठे होके सोनी साहब के नाल असी खड़े हां चटांग दे, कोई फर्क नहीं गा, 2 महीने अंदर जाना पेगा, लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। मैं कहना उन्ना चिर किसी व्यक्ति नूं गुनेगार नहीं समझना चाहिए जिन्ना चिर अदालत गुनेगार ना उन्हें साबित कर दे। FIR करना वो तो सरकार की मर्जी है, जो मर्जी किसी ने FIR कर दे। और असी लोग इनकम टैक्स नूं हाए साल जो चुनाव लड़ते हैं उदो आपका सारा ब्यूरो वेरवा दिने, फिर फड़न की लोड़ पेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यार, तुसी उन्हें सद भी तेन असी गिरफ्तार करना, जो 7 पेशियां से डिप्टी मुख्यमंत्री पेश हो गया है, हुण भज्जण लगे जान बुझ के कि उन्होंने असी आप फड़िया जी, फलाने मोड़ चो फड़िया जी, चंडीगढ़ फड़िया, सोनी साहब तो जा ही रहे सी, किते भज थोड़ी रहे। तुसी कुछ लोगों ने कहा कि वह जा रहे, लुक आउट नोटिस सब जारी है, जिन्होंने FIR नहीं उन्होंने भी जारी है। कदे चन्नी साहब नूं कहता, कदे अंसारी की गल करती, अज मिल गई मुंडे नूं नौकरी, वो मुंडे नूं एक्सपोज करता नौकरी लैण दे आसे। जिन्हां नूं नौकरियां दित्तियां उन्हां ने तां कहा नहीं भी असीं पैसे दित्ते, जिन्हों नौकरी नहीं दित्ती वह कहिंदा भी पैसे मंगे, फिर दिओ हुण उहनूं नौकरी। सो फोकी मशहूरियां वाली सरकार ते मुख्यमंत्री साहब इन्होंने जान बुझ के एजेंडा फड़िया गया। और मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा मुख्यमंत्री साहब, कोई फर्क नहीं है, जिन्ना किसी नूं कदे किसी ने दबाउण की कोशिश की है उन्नी उत्तेजना दे नाल उत्ते आया है। पर जिथे जिथे जिहड़ियां स्टेटां च पुराना इतिहास है इहो जिहे काम होए उत्थे फिर लोकां ने मजबूती दे नाल पार्टियां दा साथ दित्ता। सो सवाल बाद च मैं असी इस गल की निंदा करदे हां और असी सारी पार्टी एक मुट इकट्ठे होके जिथे जिथे साडे व्यक्ति दे नाल अत्याचार होएगा असी उत्थे नाल खड़े हां। राहुल गांधी जी ने, KC वेणुगोपाल जी ने, खड़गे साहब ने मेरे नाल गल कीती है और उन्होंने कहा कि परिवार नूं साडे वल्लों असी उन्होंने नाल खड़े हां और पार्टी एक भी कदम पिछे नहीं हटगी। उत्थे तुसी सानू कहने सानू समर्थन दिओ, माड़ी करप्ट पार्टी का ऑर्डिनेंस से समर्थन लेना चाहते हो, जो असि इन्ने चोर है, माड़े है, करप्ट है, तुसी साथो एक कहो एथिकली कि सानू कांग्रेस पार्टी का ऑर्डिनेंस से समर्थन नहीं चाहिए।
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਂਗਮਾਨ ਔਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਅੰਤਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਗਵਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਫਿਤ ਹੋਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੋਣੀ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸਮੇਕਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25-25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ 10-10 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਕਾਬੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ PSIEC ਦਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਡੀ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹਦਾ FIR ਚ ਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ IAS ਹੈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ IAS ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 8-ਲੇਨ ਸੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿਖਾ ਦੋ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 1200 ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ FIR ਚ ਨਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IAS ਤੁਸੀਂ IPS ਤੁਸੀਂ PCS ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਜੇ ਫਾਈਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ IAS ਕਾਬੂ ਆਣੇ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ ਜੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਇਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
बट ये जानबूझ के सीनियर लीडरशिप नूं बदनाम करना चाहते ये जानबूझ के कांग्रेस का देखो एक वड्डी गल समझो दो ही पार्टियां ने जिन्हां दा सैकुलर बेस है बीजेपी का अकाली दल का बेस वक्र है इन्हां दी कोशिश है कि पार्लीमेंट पोल्स तो पहले असी कांग्रेस की लीडरशिप नूं गिरफ्तार करिए लोगों में बदनाम करिए इन्हां नूं डिमोलिश करिए इन्हां नूं बैकफुट ते लिया के इन्हां दा काडर अपने नाल असी शामिल करिए भावें सरपंच ने भावें तुहाडियां कारपोरेशनां दे मैंबर ने भावें तुहाडियां म्युनिसिपैलिटियां दे मैंबर ने वड्डे पैमाने ते इह डिफेक्शन इस टाइम चल रही तुहाडे सामने इह भी कड़ी जिहड़ी है होर भी बहुत सारे बंदे जिहड़े ने शहरां नाल तुलक रखदे साडे लीडर उन्हां दी गिरफ्तारी इन्हां ने करनी राजा जी ने तुहानूं बहुत सोहणे ढंग नाल सारी गल पेश कीती मैं भगवंत मान नूं तीन चीजां दा जवाब मंगना चाहुंदा भगवंत मान तेरे को निरी कांग्रेस नहीं समुचा पंजाब मंग करदा साडा दावा है कि 500 550 करोड़ रुपया सीधे तौर शराब दे इस एक्साइज दे स्कैम चो तुहाडी पार्टी नूं जा तुसी 5% तो 12% जिहड़ी इनू कमीशन जिहड़ी है 9000 करोड़ दे बिजनेस ते 12% कमीशन जिहड़ी होलसेलर नूं दित्ती है 1080 करोड़ रुपया उहदे चो तुसी कढ़े 6% ठेकेदारां नूं गया 540 करोड़ 540 करोड़ तुहानूं गया अकराक असीं वेखीए तू अपने एक्साइज कमीशन दी अपने फाइनेंस मिनिस्टर दी अपने एक्साइज मिनिस्टर दी इत्थे इनकुआरी करा ते इनकुआरी भी सीबीआई नूं कला आओ वेखीए किन्ना दुध दा दुध ते पानी दा पानी कर दी तू ताकत रखना दूजी गल माइनिंग दे विच जिन्ना कच्चा माल है इस टाइम हिमाचल प्रदेश तो आ रहा आनंदपुर साहब वाले बॉर्डर तो आ रहा साडे जिहड़े नाल लगदा एरिया पठानकोट का उथरों माल हिमाचल प्रदेश चो 70% आ रहा कुछ जम्मू चो आ रहा कुछ सारा हरियाणे का बॉर्डर कर रहा 2000 ट्रक हर रोज कच्चा माल लैके पंजाब च आ रहा 9000 रुपया भगवंत मान तू ते तेरे लोग जेडे उन्हां कोलों सीधे तौर हर ट्रक तो वसूली करदे 1,80,00,000 रुपया बनता महीने का बनिया 50 तो 55 करोड़ साल का बनिया 600 करोड़ रुपया सीधा तुहाडी पार्टी नूं ते तुहानूं जांदा अकराए की इनकुआरी आओ वेखिए किन्ना क दम तू रख तीसरी गल आ पबलिक रिलेशन की 750 करोड़ का तू बजट रखिया 25% पैसा डिस्काउंटेड अखबारों विचों ते टीवी तो तुहानूं वापस आता है एक सीनियर अफसर की ड्यूटी लगी है कि 25% डिस्काउंट माल मालकां दा मशहूरी कंपनी नाल तू मशहूरी करवा लै नाल माल वापस लेंदे हो 225 करोड़ इहदे चो ले 1200 तो 1400 करोड़ रुपया शरेआम लोटा च पंजाब दी हो रही तहसीलां च की हाल है थाणियां च की हाल है किसी नूं कोल लै जी अजे हुणे ही एक लिस्ट विजिलेंस ब्यूरो ने पहले बाहर कढ़ी फिर मोलियां दे नां लिस्ट चो बाहर कढ़े फिर उत्ते यह गल मीटिंग दे विच होई कि जे ये गल हो गई तो इन्हां तहसीलदारां ने यह जिहड़े लोग आम आदमी पार्टी दे मंत्री पैसे लै रहे ने उन्हां दे नाल नशर हो जाने वह साडी लिस्ट ही खा गए चाबी गए तो असी यह गल कहना चाहते हैं यह जिन्ना मर्जी तू कोशिश कर ले जिस तरह कई बार किसी ने शेयर बोले है वह कहिंदे कई बार इरादे कीते ने कश्ती में अपनी डोब दिया पर राकड़ वेख इन्हां लहरां दी इहनूं पार लगाउणा पैंदा है इहनूं पार भी लवांगे जो तुसी काम फड़िया एक पासे मदद मंगदे हो कांग्रेस की दूजे पासे उन्हां ते ही रोज तुसी इह तंज कसदे हो सो ये भगवंत मान जी बहुता चेहरे काम नहीं चलना तुसी खुशी नाल असीं दोनों बैठे हां समुची लीडरशिप बैठी है जां तू अपना रांझा राजी कर लै तू बाकियां नूं जू लै आंदा सारयां नूं गिरफ्तार कर असीं गिरफ्तारी दे दिंदे आ चल जे तेरे दम है तेनू ओपनली असीं चैलेंज कर रहे लिया सारे गिरफ्तार कर दे डेट केड़े विजिलेंस ते तेरे दफ्तर पहुंची है जे तुसी यही काम ही फड़िया एक पासे पंजाब डुब रहा है तू कदी प्राइम मिनिस्टर नूं अपील नहीं कीती कि 1 रुपए की मैनू पंजाब नूं अज लोड़ है फसलां डुब रही है घर टुट गए ने सड़कां टुट गईयां ने लोग घरों बेकार हो गए ने तू पंजाब दा ध्यान दूजे पासे खिंचण वास्ते सोनी साहब ही तेनू लभे सानू बहुत भारी अफसोस है बहुत अफसोस है कि बदलाव इस किस्म का लोगों ने कभी नहीं सोचे बट एक गल चंगी तरह सुन लै जिनी मर्जी प्रेस खरीद लै
जिन्हें मर्जी इन्हां नूं पैसे वंड लै, अजे भी जूदे जागदे प्रेस वाले लोग है ने। तुहाडी हर जिहड़ी है जे जो तेरे मिनिस्टर ते तेरे एमएलए ने ते सीएमओ च हो रहा, तेरे चीफ सैकटरी कर रहे ने, तेरे प्रिंसिपल सैकटरी कर रहे ने, एक एक चीज लोगों के नशर करांगे, आंदे टाइम ते नशर करांगे। इस गल का ही तेनों यकीन दवाना चाहिए, विचार करके अगली जी रणनीति है दसा पर बिलकुल मैं बाजवा साहब की गल कि रोजाना एक बंदा क्यों फड़ना बी अज बहुत वड्डा कल सारे चैनलों ते हड़ पीड़िता दियां फलाने घर रुड़ गए जगह हो गया खबरां चल रही सी, तुरंत खबरां बंद कर दित्तियां गईयां और सोनी साहब दियां खबरां चल, जबकि बहुत वड्डी आफत अज पंजाब दे विच आई है। सो सारियां नूं सारियां दे खोल लिया फिर सारियां नूं इक्के वारी फड़ के अंदर दे दिओ भाई, फिर रोजाना जान बुझ के तीन क महीने बाद डेढ़ क महीने बाद चोणां दे समय ये सारे का सारा फोकी मशहूरी वाली सरकार स्क्रिप्टेड स्टोरी दे तहत हो। कांग्रेसी लीडर आने वाले दिनों दे विच आप गिरफ्तारियां देंगे या इंतजार रहेगा तुहानू घर घर आके फड़े? असीं गल सुन एक मिनट, घर इन्हें आके फड़ जोगे है? असीं इन्नी गल कही है, तुसीं आप कह रहे हो भाई इन्हें घर की फड़ना इन्हें सानू, असीं आप यह गल कही कि दस कितने आई है समुची कांग्रेस गिरफ्तारियां देने नूं तैयार, जे इहदे नाल इहदा रांझा राजी हो जाए, जे इहनूं रात चंगी तरह नींद आंदी है असीं गिरफ्तारियां दे दो। सरकार दे खिलाफ की करोगे? देखो सरकार दे खिलाफ साडी इही लड़ाई जारी है, जिस तरह अज असीं सारे इकट्ठे होके आने वाले समय दे विच असीं जिहड़े पंजाब दे असीं इस गल दे खिलाफ कोई साडी इह नहीं है, असीं आपदे साथी दे नाल अज हिकड़ा के सारी कांग्रेस खड़ी है। पर जिहड़े असल मुद्दे ने पंजाब दे, जिवें मैं तुहानूं कहा नशा असल मुद्दा है, जिवें लॉ एंड ऑर्डर असल मुद्दा है, हेल्थ एजुकेशन असल मुद्दा है, फार्मर सुसाइड असल मुद्दा है, लोगों नूं मुआवजा नौकरियां जिहड़ियां टीचरां नूं कुट्टिया जा रहा है असल मुद्दा है। इन्हां मुद्दियां ते आने वाले समय च असीं एकजुट होके हर गली गली मोहल्ले बंदे जाके देखो जी ये इकोदम सेहत नहीं खराब होगी, वैसे ही बंदा मैं समझदा कि इंसानियत के नाते सत बगाना भी हो गए 60 साल की उम्र का व्यक्ति, मैं थोनू पहला कहा जिन्हें फेस मेकर पिया वे जेड़ा बॉम्बे तो उन्होंने दवाई ऑलरेडी चल रही है सारी दुनिया जानती है नैचुरली है, उन्होंने ब्लड प्रेशर लो होया, उन्होंने बहुत सारिया बहुत जेड़ा हार्ट बीट उन्होंने 50 रहेगी, वैसे तो तुम समझते हो भी सरकारी अस्पताल उन्होंने रेफर ही नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी अस्पताल से भी कितना कितने टेलीफोन चल रहा होना इन्हू रेफर नहीं करना, इस करके उन्होंने हालत को देखते हुए सरकार सरकारी अस्पताल ने रेफर किया उन्होंने। सो मैं लगता कि इस उम्र च बंद 100 बीमारियां होंगे। प्रिंस साहब ने ट्रेंड पहला भी चलो है मुख्यमंत्रियों वालों लीडरशिप साढ़े सीनियर आफिसर साहबान एमएलए साहबान अज का जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिहड़ा मकसद है तुसी सारे जानते हो, बहुत ही माड़ी गल जिहड़ी कि हमेशा फोकी मशहूरियां दी सरकार करती है, आप दे एजेंडे दे तहत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान गुरा ने अज फिर साडे एक बहुत ही सत्कारयोग लीडर डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी जी उन्हां दे मुकदमा दर्ज करके आपकी स्टोरी दे मुताबक आपकी स्क्रिप्टेड स्टोरी दे मुताबक और मशहूरी दे मुताबक उन्हां नूं कल चंडीगढ़ विखे उन्हां नूं गिरफ्तार करना है। और पहला भी साडे लीडर साहबान इन्हां ने गिरफ्तार किते यही डिसप्रपोर्शनेट एसिड दे केस बना बना और ये विंडेटा पॉलिटिक्स जिहड़ी है टोटल बदला खोरी दी नीति नाल पंजाब दा मुख्यमंत्री ए साडे लीडर साहबाना ते कारवाई कर रहे और जिहड़ी गल इन्हां नूं और इन्हां दी आकावां नूं चंगी नहीं लगदी एक कुमार विश्वास तो लैके ते बग्गे तो लैके ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ
फिर हाई कोर्ट ने उन्होंने राहत दी और उस तो बाद साडे लीडर साधु सिंह धर्मसोत तो लैके अज सोनी साहब तक बड़े वे वे इल्जाम लाने के बावजूद जीरो रिकवरी किसी ने 2000 करोड़ का लाया किसी ने 100 करोड़ का लाया लेकिन जीरो रिकवरी प्राप्त हुई और साडे तमाम लीडर साहबाना अज बेल मिल चुकी है एक अद्धे तो बिना और अज फिर उस कड़ी च फोकी मशहूरिया की सरकार ने बदलाखोरी की नीति के नाल जबकि डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी जी सारी आपकी जायदाद का वेरवा और समय समय सिर जो विजिलेंस ने सद्या उन्हां नूं तमाम कागज मुहैया कराने के बावजूद अज यह कार्रवाई कर दी गई और एक तरफा फैसला विजिलेंस कहती है हमेशा कोई भी पुलिस आला व्यक्ति जिन्हों पूरा आला नहीं पता इकोनॉमिक्स का हिसाब का क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखना है वो हर व्यक्ति से एक तरफा बयान दे दें कि 7 करोड़ रुपए का फलाने व्यक्ति की जायदाद च वाधा हुआ बिना किसी तथा हाथ परे रख और बहुत सारे साथियों एक तरफा चला देंगे असं कहने की अगर 7 करोड़ रुपए की साढ़े सीए ना बैठन और आमने सामने गल कर हिसाब किताब किताबा दे रहे ओ जेड़िया कोई पैसा होंगे वह तो गिना देंगे पर जेड़ा बोरोइंग होंगी है जा पैसे लए होंगे जाए होंगे कितों आए है वह बिल्कुल नहीं दिखाते किस तरह वह डीए का मुकदमा रोजाना हर रोज बनाते तुरे जा रहे पहला कहते सोनी साहब का हेल्थ का मुकदमा हेल्थ डिपार्टमेंट का उत्थे बड़ा कुछ होया फिर जो कुछ नहीं मिले उन्होंने फाइलों च उन्होंने आख्या भी जो फड़ना ही है सोनी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਸਹੁਰੇ ਕੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਡੀਏ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਗਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 6 ਵਾਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖੀ ਹੈ 1% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਫਲਾਂ ਯੇ ਵੋ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ 68 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਤਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਗਾਂ ਪਾੜਤੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਧੜਾਧੜ ਫੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ 500 ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਦਾ
जान बुझ के गल डाइवर्ट करने के मारे फोकी मशहूरिया वाली सरकार अपनी मशहूरिया करती है। और टोल प्लाजा से मैं क्या उथे जाके गया असि टोल कोई लाया ही नहीं पांच साल सरकार ने ते तुसी 50 लाख रुपए का खर्चा कर दे उथे जाके असि एक भी टोल नहीं लाया पांच साल कांग्रेस पार्टी के राज बीजेपी अकाली दल दे वेले टोल लगे रहे इहदा मतलब मुख्यमंत्री हुण साहब इन्ने वेले भी हर टोल बंद ते जाया करनगे। सो प्योरली वेंडेटा बदलाखोरी की भाव दे नाल साडे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप एक कट्टर ईमानदार है लत पत ने करप्शन दे विच इन्हां दे लोग ने लेकिन हर बंदे नूं जान बुझ के टारगेट किया जा रहा और असी लड़ाई लड़ांगे। अज असी सारे इकट्ठे होके सोनी साहब के नाल असी खड़े हां चटान दे कोई फर्क नहीं गा दो महीने अंदर जाना पड़ेगा लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। मैं कहना उन्ना चिर किसी व्यक्ति गुनेगार नहीं समझना चाहिए जिन्ना चिर अदालत गुनेगार ना उन्हें साबित कर दे। एफआईआर करना वो तो सरकार की मर्जी है जो मर्जी किसी ने एफआईआर कर दे और असी लोग इनकम टैक्स नू हाई साल जो चुनाव लड़ते हैं उदो आपका सारा ब्यूरो वेरवा दिने फिर फड़न की की लोड़ पेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है यार तुसी उन्हें सद भी तेन असी गिरफ्तार करना जे सत पेशियां से डिप्टी मुख्यमंत्री पेश हो गया हूं भजन लगे जान बुझ के कि उन्होंने असी आप फड़िया जी फलाने मॉल चो फड़िया जी चंडीगढ़ फड़िया सोनी साहब।